दोस्तों यहाँ अहमदनगर में पोखरडी गांव है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुएं के पास कुछ पत्थर है। गोरक्षनाथ ढवड़े इन्होंने हमें कॉल किया था, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कौन सा स्नेक मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों यहाँ पोखरडी गांव में ये इंडियन रैट स्नेक यानी धामन सांप, जिसे हम धामन कहते हैं, यहाँ ये रेस्क्यू कर लिया। ये बिना जहर वाला होता है दोस्तों। गोरक्षनाथ ढवड़े इनका ये खेत है, तो यहाँ पर पत्थरों के बीच में ये छुपा हुआ दिखाई दिया था, तो उन्होंने हमें कॉल किया। दोस्तों यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और ये अभी अभी इतने सारे पत्थर निकाल कर ये पकड़ लिया है। दोस्तों ये सांप बिना जहर वाला है, लेकिन खुद के बचाव के लिए बहुत ही जोर से काटता है। तो सभी के लिए मेरी विनती है कि बिना प्रशिक्षण के, बिना कोई सांप हैंडलिंग ट्रेनिंग के, स्नेक हैंडलिंग ट्रेनिंग के, कोई भी स्नेक पकड़ने की कोशिश ना करे। इसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है, इसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है, साल भर का स्टडी करना पड़ता है, फिर इसके बाद हम इसको पकड़ सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं। कोई भी आम इंसान इसको पकड़ नहीं सकता है, ये जोर से काट सकता है। सांप की पहचान करने के लिए एक या दो दिन नहीं लगते दोस्तों, कम से कम एक साल तक स्टडी करना पड़ता है, तभी हम सांपों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये धामन सांप कैसा होता है, पीला सा होता है, नीचे से हल्का सा पीला होता है, ऊपर से हल्का सा काला और पीला दिखाई देता है। देखिए इसकी पूंछ कैसी है, इसका मुंह इसके आकार से छोटा होता है। देखिए इसका मुंह जो होता है उसके आकार से छोटा होता है। दोस्तों इस बारे में मैंने कई सारे पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जानकारी भी देते हैं और रोज में देता हूँ, ताकि आप इनको अच्छी तरह से पहचान सके, जान सके। आपके घर के आजू बाजू में ऐसे स्नेक निकलते हैं उसे मारिए मत, क्योंकि ये सांप इंडियन रैट स्नेक कहा जाता है। रैट स्नेक यानी चूहा खाने वाला सांप, ये चूहों का खात्मा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इसे बचाए रखना, इसे क्या, हर एक सांप को पर्यावरण में बचाए रखना हमें बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इन्हें हमें बचाए रखना है, ये पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। इसी तरह अगर हम लोग सांपों को बचाते रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन ठीक रहेगा। अगर हम मारते रहेंगे तो ज़रूर पर्यावरण में कोई ना कोई हानि हो जाएगी दोस्तों, इसलिए हमने इसको सांपों को बचाए रखना है। तो आपके घर के आसपास, अहमदनगर में हम काम करते हैं, अहमदनगर जिला, आपके घर के आसपास कोई भी छोटा बड़ा सांप दिखाई देता है तो उसे मारिए मत। हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कॉल करिए, हम वहाँ पर पहुँच कर सांप को पकड़ लेंगे और आपको ये उनको जंगल में रिलीज कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको अभी स्नेक की बैग में डालते हैं और तुरंत जाएंगे इसको जंगल में रिलीज करने के लिए। त्यांनी काय सांगितलं ऐकलं का तुम्ही, जितक्यावेळ एक वर्ष लागतं ट्रेनिंग घ्यायला। दोस्तों हर रोज की तरह आज भी कहता हूँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले इसी तरह स्नेक रेस्क्यू वीडियोस आपको रोज रोज देखने को मिलते रहेंगे और दोस्तों साथ ही साथ सांपों के बारे में जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों
जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब नाम का बटन होगा, उसे दबाइए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, अभी तुरंत हम जाएंगे इस रेड स्नेक को जंगल में रिलीज करने के लिए। दोस्तों अभी अभी ये इंडियन रेड स्नेक यानी धामन सांप हमने पोखरडी गांव से रेस्क्यू कर लिया था। गोरक्षनाथ ढोले इनके घर के पास ही खेत के पास हमने ये रेस्क्यू कर लिया था, पकड़ लिया था। इसको हम पर्यावरण में रिलीज़ कर रहे दोस्तों एक और बात कहना चाहूँगा जो मैं हर रोज़ कहता हूँ, अगर आप इसी तरह हमारे स्नेक रेस्क्यू वीडियोस और सांपों के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने क्या करना है, इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब नाम का बटन होगा उसे दबाना है और साथ ही साथ बेल आइकन जैसा घंटे वाला आइकन है उसे भी दबाना है दोस्तों, ताकि सांपों से जुड़ा हर एक जानकारी हर एक वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको जंगल में आज़ाद कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। हाँ